Hello everyone, we are discussing the chapter life process of class 10th. We have discussed till respiration. Now today we will discuss about the transportation in human beings and transportation in plants also, but today's topic is transportation in human being. Now before starting, first of all, what is the meaning of transportation? Transportation का मतलब क्या होता है? First of all you need to understand this. ट्रांसपोर्ट एज यू ऑल नो दैट ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को हम कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ जा रही है तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट. लेकिन बायोलॉजी में अगर हम ये देखें तो ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है, एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्ड होते हैं हमारी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और वो कैरीड होते हैं अलग अलग पार्ट्स में बॉडी की. अब ये जो काम है ट्रांसपोर्ट का, वो करता कौन है? कौन करता है अब इस काम को? तो जो ब्लड है हमारी बॉडी में, द ब्लड क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है जो फूड है और ऑक्सीजन है और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है. तो क्या मतलब है ट्रांसपोर्ट का? कि कोई भी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह पर एब्जॉर्ब होके पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रैवल होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट. तो इसका काम करता कौन है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाता है जितना भी हमारी बॉडी में फूड होता है, ऑक्सीजन होता है और वेस्ट मटेरियल होता है. ये सब हमारी बॉडी में कौन ट्रैवल करवाता है? ब्लड. तो ब्लड जिस सिस्टम से ट्रांसपोर्ट कराता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम इसको कहते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम इसको कहते हैं. तो blood, as you all know, as you have read in the 9th class, that blood is a fluid connective tissue. Fluid connective tissue है, एक तरीके का fluid है ये, connective tissue है. तो अब ये blood किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? It is made up of 4 groups, that is plasma and RBCs, WBCs and platelets. तो ये जो प्लाज्मा होता है ये 90% होता है ब्लड में हमारे. ये 90% इसमें वाटर होता है, लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड होता है और ये ब्लड का मैट्रिक्स बनाता है. WBCs, RBCs and platelets, these are the blood corpuscles in our body, in the blood. तो जो RBCs होती हैं वो नाम से ही पता चल रहा है, that RBC are the red blood cells. रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड होती हैं किसकी वजह से होती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड कलर की होती हैं. जो WBCs होती हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं. ये वाइट ब्लड सेल्स क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, तो RBCs क्या काम करती हैं? अब इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है. एज वी हैव रीड इन द रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? उसके पास बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की. तो जो RBCs होती हैं, दीज आर द कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन के कैरियर्स होती हैं. दीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. ये लंग्स से क्या करेंगी? ऑक्सीजन को लेकर जाएंगी, पूरी बॉडी में ट्रैवल करवाएंगी. ठीक है, देन WBCs, ये भी एक तरीके की ब्लड सेल्स ही होती हैं. ये वाइट कलर की होती हैं क्योंकि इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता. इनका फंक्शन होता है दीज फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. ये इन्फेक्शन से फाइट करती हैं और हमें डिजीजेस से बचाती हैं. ठीक है, देन प्लेटलेट्स. ये प्लेटलेट्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ब्लड क्लॉटिंग को हम कोहुलेशन के नाम से भी जानते हैं. सो दीज आर द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोहुलेशन. जब किसी भी पर्सन को इंजरी हो जाती है तो जितना भी लॉस होता है ये उससे प्रिवेंट कराती हैं. तो इट प्रिवेंट्स एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ एन इंजरी. दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन. मीडियम क्या है ट्रांसपोर्टेशन का? किससे होता है ट्रांसपोर्टेशन? थ्रू द ब्लड. अब हमारी बॉडी में अब इस ब्लड को पंप करने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए. अब मीडियम क्या होता है इस ब्लड को पंप करने के लिए वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी. कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा इसको पंप कराने के लिए. तो अब तय ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही हम बात कर रहे हैं. ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके अंदर क्या आता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब इसके दो पार्ट्स होते हैं. जो हार्ट है दैट इज द पंपिंग ऑर्गन जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और ब्लड वेसल्स जो ब्लड को ट्रेवल करवाएंगी पूरी बॉडी में, वो क्या होंगी? ब्लड वेसल्स. हार्ट वी विल डिस्कस. अभी हम पहले ब्लड वेसल्स के बारे में जान लेते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं. जो अब हमारी तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज. जो आर्टरीज होती हैं वो कैसी होती हैं? वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं. इनकी जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन में. ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड. तो ये थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में. वीन्स, ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स से टू द हार्ट. अब जब पूरे ऑर्गन्स में, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड मिल जाएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड तो हो ही जाएगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है. तो आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगी और जो वीन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएंगी. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो आर्टरीज होती हैं वो मेनली क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है हार्ट से, दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. एक वीन भी ऐसी होती है. पल्मोनरी वीन की बात करते हैं अगर हम, पल्मोनरी वीन क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है. जनरली क्या है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है. लेकिन अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी और पल्मोनरी वीन जो है वो कैसा ब्लड लेके जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी. देन कैपिलरीज भी होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स. ये क्या होती हैं? ये कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वीन्स को, दोनों को. ठीक है. जितना भी ब्लड आता है आर्टरी से वो ऑक्सीजनेटेड होता है, देन वीन से आता है दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड होता है. ये दोनों क्या होता है, ये दोनों से ज्वाइन होती हैं. बहुत थिन वॉल्ड नैरो ट्यूब्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को और वीन्स को. ठीक. अब नाउ हार्ट के बारे में हम जान लेते हैं कि हार्ट कैसा होता है. तो जो हार्ट होता है हमारा वो एक रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है. एज यू हैव सीन इन द डाइग्राम, मैंने अभी आपको बताया कि जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है. मस्कुलर ऑर्गन है और जो कि किससे बना हुआ है? दैट इज कंपोज्ड ऑफ द कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स से बना हुआ है. इनके अंदर जो मसल्स हैं वो कैसी हैं? कार्डियक मसल्स हैं. ट्रायंगुलर शेप का है. इसकी जो साइज़ होती है वो किसकी साइज़ की होती है? एज योर क्लेंज्ड फिस्ट, आपकी जो हाथ की मुट्ठी होती है. जिस भी ह्यूमन बीइंग की जितनी बड़ी वो फिस्ट होगी, क्लेंज्ड फिस्ट होगी, मुट्ठी को कहते हैं हाथ की, वो जितनी बड़ी जिसकी होगी, जितना बड़ा जिसका साइज़ होगा उतना बड़ा ही उसका हार्ट होगा. तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है, अब ये ह्यूमन का ही हार्ट दिखाया गया है इस डायग्राम में. ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. मतलब 2 तो उसमें यूरिकल्स होते हैं और 2 ही उसमें वेंट्रिकल्स होते हैं. मतलब 2 उसमें यूरिकल होंगे, मतलब एट्रियम, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. और 2 ही उसमें एट्रियम होंगे, 2 एट्रियम होंगे, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, और 2 वेंट्रिकल होंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल. अब इसमें ब्लड जो है ट्रेवल कैसे करता है? पहले जो लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे जो इस वाले पार्ट में, इस वाले चैम्बर में जो भी ब्लड होगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब प्योर ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन रिच होगी. और जो राइट वाला पार्ट है वहाँ पे जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब यहाँ पर इम्प्योर ब्लड होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी इसमें. तो जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में हमारा कैसा ब्लड है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू जाएगा, दैट गोज फ्रॉम द हार्ट टू द पल्मोनरी, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा आपके लंग्स में। ये कैसा ब्लड है, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा कहाँ पर, लंग्स में। अब लंग्स में जाने के बाद वो ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इस पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये पल्मोनरी वेन क्या काम करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आएगा तो ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये कैसे हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड हो जाएगा। फिर इस लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो जो लेफ्ट एट्रियम है वो कैसा हो जाएगा, वो चैम्बर वो एक्सपेंड हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कैसा है, यहाँ पर कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, इस एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा, सिर्फ लंग्स को छोड़कर। अब जब पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आएगा। जब राइट एट्रियम में आएगा तो ये जो राइट एट्रियम है ये कैसा हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सॉरी ये एक्सपेंड हो जाएगा। फिर इस राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो ट्रेवल करेगा राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल में आएगा तो राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाएगा और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ट्रेवल करेगा पूरी बॉडी में ब्लड। कैसे करेगा, थ्रू, पहले तो राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी वेन में जाएगा। ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। नाउ द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आकर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से आकर फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा। पूरी बॉडी से में कैसा हो जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो फिर वेना कैवा के थ्रू राइट यूरिकल में एंड देन राइट वेंट्रिकल में। अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। ऐसा क्यों होता है, जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनकी बहुत थिक वॉल होती है एट्रियम से ज़्यादा, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पंप करते हैं ब्लड टू द वेरियस ऑर्गन्स, वेरियस ऑर्गन्स में पंप करते हैं ब्लड, इसलिए उनकी जो वॉल्स होती हैं एट्रियम से अगर हम कंपैरिजन करें तो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। इनके बीच बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच बीच में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट, बाइकस्पिड वॉल्व होता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ये वॉल्व क्या करती हैं, दीज एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में या राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो जो ब्लड आ चुका है वो दोबारा से बैक फ्लो ना हो, इसका काम करती हैं वॉल्व्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट। नाउ देयर इज़ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, किस तरीके से सर्कुलेट होता है ब्लड। अब ये जो पूरा ट्रैवल था, ये पूरा जो ये सिस्टम था कि किस तरीके से ट्रैवल होता है ब्लड, तो जब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड जाता है, इसको तो हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि ये पूरा जो काम हो रहा है ये लंग्स में भी हो रहा है। यहाँ पे ब्लड है वो पूरा ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा राइट यूरिकल तक वर्क हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इन केस ऑफ मैमल्स और इन केस ऑफ बर्ड्स देयर आर 4 चैम्बर का हार्ट होता है, तो इसलिए जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन।